Hello everyone, welcome back to my channel House Life. So I make videos of cooking and house related content. So explore the life of housewife with House Life. Without further delay, let's get into the video. Here I am making a bread custard pudding to surprise my husband on our special day. तो चलिए साथ मिलकर बनाते हैं. इसे बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है. और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली में और मुझे कमेंट करके बताएं आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी. यहाँ मैंने करीब आधा लीटर दूध ले लिया है. इसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है. जब तक दूध गर्म होता है, मैं एक बाउल में कस्टर्ड मिक्स कर लेंगे. यहाँ पर मैं 4 चम्मच कस्टर्ड की ले रही हूँ. उसमें हम ठंडा दूध मिलाएंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे. इसमें कोई भी लम्प्स नहीं होने चाहिए. तो ये लीजिए, हमारा लम्प फ्री कस्टर्ड मिक्स रेडी है. हमारा दूध भी यहाँ गर्म हो गया है. गर्म दूध में कस्टर्ड को डालने से पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे चलाते हुए पका लेंगे. हम इसकी मीडियम कंसिस्टेंसी रखेंगे. देखिए, हमारा कस्टर्ड बॉईल होना स्टार्ट हो गया है. अब हम इसे चलाते रहेंगे, नहीं तो कस्टर्ड नीचे बैठ जाएगा. यहाँ पे मैंने जो कस्टर्ड यूज़ किया है वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का है. आपको जो फ्लेवर पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे मैं 2 इलायची को पीस कर ऐड कर रही हूँ. इससे स्मेल और टेस्ट दोनों अच्छा आएगा. यहाँ साइड बाय साइड मैं ब्रेड के स्लाइसेस लेके इनके साइड्स को कट कर रही हूँ. आप चाहें तो आप ऐसे भी इन्हें यूज़ कर सकते हैं, पर देखने में अच्छा लगे इसलिए मैं इसकी साइड्स हटा रही हूँ. यहाँ पे मैंने ब्रेड की 6 स्लाइसेस ली है. सभी ब्रेड को हम इसी तरह कट कर लेंगे. अब हम इस कस्टर्ड मिक्स में शुगर ऐड करेंगे. यहाँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप शुगर ऐड कर सकते हैं. यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा शुगर ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून, क्योंकि हम इसमें ब्रेड यूज़ कर रहे हैं तो फीका कस्टर्ड अच्छा नहीं लगेगा. तो यहाँ पे हम चीनी को अच्छे से पका लेंगे. हम कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी ज़्यादा थिक नहीं रखेंगे. यहाँ पर हम मीडियम कंसिस्टेंसी लेकर चलेंगे. आपके पास अगर रेक्टेंगल या स्क्वेयर शेप का कोई जार, कंटेनर कुछ भी हो तो वो आप वो यूज़ करना. उसमें ब्रेड सेट करना बहुत इजी हो जाता है. मेरे पास यही था तो मैं इसे ही यूज़ करूँगी. यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे नीचे एक अच्छी थिक लेयर लगा देंगे हम कस्टर्ड मिक्स की. फिर उसके बाद हम इस पे ब्रेड सेट करेंगे. ध्यान रखिए, हम कस्टर्ड को यहाँ ठंडा नहीं करेंगे. हम इसे गरम गरम ही सेट होने के लिए रखेंगे. यहाँ मैं सीज़र से ब्रेड की शेप कट कर रही हूँ. यहाँ पर जो मैं सीज़र यूज़ कर रही हूँ वो मेरी किचन की सीज़र है. तो यहाँ पे मैं अच्छे से ब्रेड को सेट करूँगी. ब्रेड की एक लेयर अच्छे से लगाऊँगी. उसके बाद हम एक लेयर लगाने के बाद हम वापस से एक कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे. ये भी लेयर हम थोड़ी थिक ही पर लगाएंगे. अगेन मैं इसी स्टेप को रिपीट करूँगी. फिर से मैं एक ब्रेड की लेयर लगाऊँगी. हम लेयर को कंप्लीट अच्छे से कवर करेंगे ब्रेड के हेल्प से. ब्रेड की 3 लेयर लगाएंगे. आप अपने अकॉर्डिंग इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं. टॉप लेयर पे हम कस्टर्ड मिक्स ज़्यादा डालेंगे. एंड यस, अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में और कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताइए आप लोगों को ये कैसी लगी. और आप लोग भी इसे अपने घर पर बना के ज़रूर ट्राई कीजिए. यहाँ पर हमने ब्रेड की 3 लेयर को अच्छे से लगा दिया है. अभी मैं यहाँ चाकू से इसे आगे खिसकाते हुए पोक करूँगी ताकि सभी ब्रेड्स में कस्टर्ड मिक्स अच्छे से चला जाए. अब हम इसे सेट होने के लिए 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे. यहाँ पे हम इसे लिड लगा के कवर करके रख देंगे. कस्टर्ड पुडिंग की गार्निशिंग के लिए यहाँ मैं ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स लूँगी. ड्राई फ्रूट्स में मैंने बादाम और काजू लिए हैं और फ्रूट्स में मैंने ऑरेंज और अनार लिया है.
इन सब के साथ मैं इसकी अच्छे से गार्निशिंग कर दूंगी। आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी फ्रूट और ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं जो आप लोगों को पसंद हो। मेरे पास घर में अनार और ऑरेंज ही थी तो मैंने वही यूज़ किया है। आप कीवी भी यूज़ कर सकते हो, कीवी, एप्पल, बनाना, जो भी आपको पसंद हो और आपके पास अवेलेबल हो आप उसी से उनकी गार्निशिंग कर सकते हैं। सो, हमारी ब्रेड कस्टर्ड पुडिंग बनकर तैयार है। ये बनाने में जितनी आसान है खाने में उतनी टेस्टी है। तो मैंने अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ करने के लिए कुछ इस तरह से कस्टर्ड पुडिंग बनाई थी। ये पुडिंग मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आई, तो आप लोग भी एक बार ज़रूर इसे बना के ट्राई कीजिए और मेरे साथ रिव्यू शेयर कीजिएगा। सो, इट्स टाइम टू सरप्राइज़ हिम। तो चलिए लेके चलते हैं उनके पास। तो मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ, देखो, चेक करो मैंने आपके लिए क्या बनाया। एंड ही वॉज़ लाइक, अच्छा, हमें भी इम्पोर्टेंस मिल रही है। और वो बहुत खुश थे और मेरा बेटा तो बहुत एक्साइटेड था। ही सेड, हैप्पी बर्थडे टू यू मम्मा पापा। वी आर लाइक, ओके ओके। सो कुछ ऐसा रहा हमारा मिडनाइट सेलिब्रेशन एंड वी आर इन्जॉइंग आर कस्टर्ड पुडिंग अलॉट। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रही। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी बर्थडे टू यू, यम्मी यम्मी, आहा।